हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। घरौंडा में जीटी रोड से टोल टैक्स के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने फास्टैग के नियम को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लोकल लोगों के लिए टोल फ्री करवाने की मांग की। वहीं इस दौरान टोल प्रशासन ने भी घरौंडा एसडीएम और डीएसपी के साथ बैठक की, जिसमें एसडीएम गौरव कुमार, डीएसपी रामदत्त, एसएचओ मधुबन तरसेम चंद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। परेशान करना है इन्होंने पीछे, जब आज से लगभग एक डेढ़ साल पहले ये बातचीत हुई थी, आईजी साहब इन्होंने मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से उन्होंने नुमाइंदा बनाया था और उन्होंने ये बात तय कराई थी कि हर दोनों तरफ एक एक लाइन लोकलों के लिए रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई टोल वसूली नहीं होगी। तो आज क्या दिक्कत आई है जी? आज किस तरह की दिक्कत आई है? आज दिक्कत ये आई कि उन्होंने अभी पिछले एक तारीख से लोगों को यहाँ पे अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया, हर लोकल आदमी को ये धमकाना डराना शुरू कर दिया कि भाई आप इसमें फास्ट टैग लगवाओ। आज हम सारे घरौंडा के गणमान्य लोग इकट्ठे होकर टोल टैक्स पे आए हैं, क्योंकि जब से ये हमारे पास ताड़ा टोल लगा था तब से मीटिंग होकर लोकल फ्री का वादा किया गया था टोल टैक्स प्रशासन के द्वारा, और ये हर साल हमारे साथ यही हाल करते हैं, हर साल हमारी गाड़ियां बंद कर देते हैं। अब भी इन्होंने हमारी गाड़ियां निकालनी बंद कर दी। अब हम आज इनके पास आए हैं, डीसी साहब के पास भी गए थे, एसपी साहब के पास भी गए थे, तो आज हम इनके पास आए हैं। ये ना तो हमसे बात कर रहे, अंदर घुसे हुए हैं और अपने गुंडे बाहर खड़े कर रखे हैं।